Hello students, myself Payal Agrawal, your computer teacher. In this video, we will do the exercise work of lesson 6. MS Word 2010. Okay, first exercise aapka fill in the blanks. MS Word 2010 is powerful than previous version of Word. Write here MS Word 2010. नेक्स्ट में राइट करेंगे आप रूलर. रूलर शो द पोजीशन ऑफ मार्जिन टैब एंड टेबल कॉलम ऑन द पेज. थर्ड है आपका द एबिलिटी टू चेंज टेक्स्ट बाय एडिंग डिलीटिंग एंड रीअरेंजिंग लेटर वर्ड सेंटेंस एंड पैराग्राफ इज कॉल्ड एडिटिंग. इसको क्या बोलते हैं हम एडिटिंग बोलते हैं. इन वर्ड 2010 यू कैन सिलेक्ट द टेक्स्ट और आइटम इन अ टेबल बाई द माउस और कीबोर्ड. फाइव टैब कंटेन्स सेव, सेव एज, प्रिंट, न्यू एंड अदर रेगुलर कमांड. ठीक है, फाइव टैब. नेक्स्ट आपके मैश कॉलम वर्ड 2010 वर्ड प्रोसीजर सेव डॉक्यूमेंट सेव ऑप्शन चेंज इन टेक्स्ट एडिटिंग कर्सर अ वर्टिकल ब्लिंकिंग लाइन नेम ऑफ डॉक्यूमेंट वर्ड प्रोसीजर नेम ऑफ डॉक्यूमेंट टाइटल बार सॉरी टाइटल बार. ठीक है, जो नेम का डॉक्यूमेंट का नेम होता है वो कहाँ होता है टाइटल बार में. ओके, नेक्स्ट है राइट टी फोर ट्रू एंड एफ फोर फॉल्स. एम एस वर्ड 2010 इज वर्ड प्रोसीजर इट इज ट्रू. We cannot edit text in MS Word. False. We can save our file in MS Word. True. Save, repeat and undo command are by default present in quick access toolbar. It is true. There are two rulers in MS Word 2010. It is true. ठीक है. नेक्स्ट है आपकी पिक्चर स्टडी. आपको यहाँ पर जो स्टडी द पिक्चर एंड लेबल इट इसको लेबल करना है. ठीक है, आपका ये पेज नंबर 57 पर है. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नेम राइट किए गए हैं सभी ऑप्शंस. जो भी ऑप्शंस हमें इसमें एम एस वर्ड 2010 में मिले सबके नेम्स है, आप इसको सेल्फ करेंगे. ठीक है, यहाँ से देख कर आप इसको कर लीजिएगा कंप्लीट. राइट कर लीजिएगा इनके नेम्स. नेक्स्ट है वट इज वर्ड प्रोसीजर राइट इट्स यूज. वर्ड प्रोसीजर क्या है. To create, store and print the document, we need a software called word processor. ठीक है, To create, store and print the document, we need a software called word processor. Next question है what is editing? Page number 61. Here last point type करेगा आप. The ability to change text by adding, deleting and rearranging letter, words, sentence and paragraphs is called editing. Here to here. Okay, ये आपका second question का answer है. Next है आपका third question. What is dialog box launcher? Page number 58 पर है आपका dialog box launcher. It is very small arrow. ये क्या होते हैं? Small arrows होते हैं. It appears on the lower right कॉर्नर ऑफ द ग्रुप ऑफ रिबन. रिबन के जो ग्रुप्स ग्रुप ऑफ जो होता है रिबन का उसके राइट कॉर्नर में. ठीक है, लोअर राइट कॉर्नर में ये होते हैं हेयर टू हेयर. ठीक है, आप वो टू लाइन साइड करें. इट इज वेरी स्मॉल एरो. इट अपेयर ऑन द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द ग्रुप ऑफ रिबन हेयर टू हेयर. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट है आपका वट इज रूलर. रूलर शो द पोजिशन ऑफ मार्जिन टैब्स एंड टेबल कॉलम्स एटसेट्रा ऑन अ पेज. रूलर क्या करता है, पोजिशन शो करता है पेज पर जो है जो भी आप जितना मार्जिन लेना चाहते हो टेबल्स में कॉलम्स में. ठीक है, ये सब शो करता है आपका. आप हेयर टू हेयर राइट करेंगे. रूलर शो द पोजिशन ऑफ मार्जिन टैब्स एंड टेबल कॉलम एटसेट्रा ऑन द पेज. ओके, नेक्स्ट है आपका हाउ डू वी सिलेक्ट अ टेक्स्ट इन एम एस वर्ड. एम एस वर्ड में आप कैसे टेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं. इन एम एस वर्ड वी कैन सिलेक्ट अ टेक्स्ट बाय द माउस और कीबोर्ड. ठीक है, हम
माउस और कीबोर्ड से क्या करते हैं, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं एमएस वर्ड में, ठीक है। राइट करेंगे इन एमएस वर्ड वी कैन सिलेक्ट अ टेक्स्ट वाय द माउस और कीबोर्ड। ओके, व्हाट इज स्टेटस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर 58 है आपका। पेज नंबर 58 ओपन करेंगे स्टेटस बार के लिए हम। देखिए हेडिंग इज स्टेटस बार, आप इसको कंप्लीटली राइट करेंगे। दिस बार इज प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द विंडो, इट शो द स्टेटस ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, यह शो करता है स्टेटस ऑफ डॉक्यूमेंट सच एज करंट पेज नंबर, नंबर ऑफ पेज, नंबर ऑफ वर्ड एटसेट्रा। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ मिलती है, स्टेटस बार में, हेयर टू हेयर। ओके, ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। ओके, आपका एक्सरसाइज वर्क कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक पे कर रहे हैं, ट्रू फॉल्स रिफिल इन द ब्लैंक्स आपको बुक पे करने हैं। मीन्स एक्सरसाइज वर्क आपको ये केवल क्वेश्चन आंसर ही आपको नोटबुक पे करने हैं, बाकी सब आप बुक पे करेंगे। फन टाइम है, ये सब आपका प्रैक्टिकली वर्क है जो आपको कंप्यूटर पे करना होता है। ठीक है, फाइंड आउट द इन्फॉर्मेशन अबाउट ए वी जे अब्दुल कलाम एंड टाइप द पैराग्राफ इन द वर्ड 2010। ठीक है, ये आपको जो है ए पी जे अब्दुल कलाम के बारे में इन्फॉर्मेशन फाइंड करनी है। आपको ये वर्क कहाँ करना है, कंप्यूटर पे, प्रैक्टिकली वर्क है आपका। नेक्स्ट है आपका असाइनमेंट, आप इसको सॉल्व करिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा असाइनमेंट को। नेक्स्ट लेसन आपको लेसन 7 फॉर्मेटिंग इन एमएस वर्ड आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।